भी नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द हेल्प मिले, मदद मिले, यही दरख्वास्त है। बारिश आई, बेमौसम बारिश आई और जिसके कारण महाराष्ट्र में खेती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ बहानेबाजी थी, शुद्ध बहानेबाजी। सच ये है कि किसानों के नाम पर सत्ता के जारी खेल में किसान कहीं थे ही नहीं। उनके नाम पर नई दिल्ली से नासिक और मुंबई से मराठवाड़ा तक सिर्फ राजगद्दी के लिए तमाशा जारी। यकीन न हो तो सूबे के कम 30 जिलों के उन किसानों से पूछिए जिन्होंने पिछले 4 दिन में अपने 4 धरती पुत्रों का अंतिम संस्कार किया है। अपना बहुत नुकसान हुआ है, सोयाबीन खराब हुआ, पूरे देवगढ़ कन्नड़ तालुके में पूरे ऐसी हालत है। हालत ये है कि रोज लाशें उठ रही है और कोई गिनने वाला नहीं। ये तो किसानों का सच है, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति का सच क्या है? इस राजनीति का सच ये है कि किसान मर रहे हैं और नेता मुख्यमंत्री बनने बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वो न्याय और अधिकार सत्य की लड़ाई है, जीत हमारी होगी और आप देखेंगे जल्दी ही महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनेगी। सत्ता के इस खेल में किसानों की कीमत वोट से ज्यादा कुछ नहीं और वोट की खेती की जा चुकी है, इसलिए किसान मरे या जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूजन एक बन गया है पूरे राजनीतिक माहौल में, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते सरकार बने और किसी की भी सरकार बनने में शिवसेना रोड़ा नहीं डाल रही है। याद कीजिए, जिस दिन से नतीजे आए हैं किसानों की पीठ पर पांव रखकर नेता सरकार बनाने को मरे जा रहे हैं और किसान अपनी मौत मर रहे हैं। 1 नवंबर 2019 शरद पवार कलवन और सताना में किसानों से मिलते हैं। 3 नवंबर 2019 उद्धव ठाकरे औरंगाबाद के किसानों से मिलते हैं। 4 नवंबर 2019 आदित्य ठाकरे कोंकण के किसानों से मिलते हैं। उसी दिन देवेंद्र फडणवीस अकोला के किसानों से मिलते हैं और मंगलवार को उद्धव ठाकरे किसानों से मिलने लातूर पहुंच जाते हैं। सवाल है कि अगर उद्धव ठाकरे इतने ही गंभीर हैं देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और संजय राउत, तो फिर किसानों की पीठ में छुरा भोंककर उनके नाम पर सत्ता के खेल क्यों खेले जा रहे हैं?